I hope this is useful. This is not useful to anyone. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा different है. आप बोलोगे कि मैं हर वीडियो में ऐसे बोलती हूँ, बट यार ये वाली वीडियो सच में डिफरेंट है, क्योंकि मैंने कभी भी Q&A नहीं किया है अपने चैनल पर, और आप में से काफ़ी लोग जानना चाहते हो अबाउट माई लाइफ. तो या आज की वीडियो होने वाली है इसके ऊपर, Q&A क्वेश्चंस आपके आंसर्स. वीडियो शुरू करते हैं. आई होप दिस इज यूजफुल. दिस इज नॉट यूजफुल टू एनीवन. आई होप दिस इज एंटरटेनिंग. और मजा आए तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक इट, शेयर इट, नॉट शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन जो सब्सक्राइब के बिल्कुल साथ होता है. आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे जब भी मैं अपने चैनल पे नई वीडियो पोस्ट करूंगी. तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस Q&A सेशन. सो ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस मैं यहाँ पे किसी के भी नाम नहीं लूंगी. मैं रैंडमली क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ और उसके आंसर दूंगी, तो नाम मैं यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ. ओके हाँ, ये स्क्रीनशॉट है. ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड ही है, ठीक है. तो उन्होंने मुझे लिखा है, ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, लव टू सी योर पोस्ट, कीप रॉकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डार्लिंग. या वो यहीं पर रहते हैं, दुबई में ही है वो. तो हाँ, थैंक यू एंड आई लव यू टू. तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी यार. मतलब इतनी अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी जो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं. फ्रेंड्स आपको इतना अच्छा फीडबैक देती हैं, तो आप अपने आप में मोटिवेशन फील करते हो. सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव माई कम्युनिटी लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेस्ट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन फॉर मेच्योर 38 ईयर ओल्ड स्किन. ओके नाउ फाउंडेशंस में तो जैसे यू हैव टू ऑप्शंस, ड्रग स्टोर एंड हाई एंड. तो हाई एंड में मैं आपको बोलूँगी कि आप ट्राई कर सकते हो मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन. काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा मैटिफाइड नहीं करती आपके फेस को. नेक्स्ट मैंने ट्राई तो नहीं की है, बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस फाउंडेशन, दैट इज़ अ स्मैश बॉक्स स्टूडियो फ्लूइड कुछ करके. मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप उसको ट्राई कर सकते हो. इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन. आई विल डेफिनेटली गिव इट ट्राई और मैं बाय करूँगी वो फाउंडेशन ज़रूर. जो तीसरी है वो है अरमानी की ल्यूमिनस सिल्क, वो भी बहुत 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 अच्छी फाउंडेशन है. ड्रग स्टोर की बात करते हैं तो मेरे पास एक ऑप्शन है, सबसे पहले तो मेबेलिन जो ड्यू स्किन फॉर्मूला में आती है फॉर ड्राई स्किन स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. और मेबेलिन की जो फिट मी फाउंडेशन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है और बहुत यू नो आपकी स्किन पे अच्छे से वो ब्लेंड हो जाती है. नेक्स्ट मैं आपको बोलूँगी मुझे जो लगती है फाउंडेशन अच्छी, वो है आजकल फॉरएवर 52 की फाउंडेशन. बहुत 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 अच्छी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छे से आपके फेस पे वो सेट हो जाती है. इट विल नॉट एम्फसाइज योर फाइन लाइंस और पोर्स. एंड गाइस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ड्राई स्किन पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमेशा अपने फेस को अच्छे से आप मॉइस्चराइज कर लीजिए. ओके स्किन प्रेप करना स्पेशली फॉर ड्राई स्किन पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी स्किन प्रेप नहीं होगी तो फाइन लाइन्स, वो रिंकल्स, वो पैचीनेस बहुत अलग से दिखेगी. ओके L'Oreal की ट्रू मैच फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है. ट्रू मैच जो उसकी पहली वाली बॉटल आती थी ना, वो बहुत अच्छी, वो मैंने ट्राई की हुई है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी. क्वेश्चन है, हेलो डियर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड व्हेन यू स्टार्ट योर ओन चैनल. ओके यू आर माई आगे आई थिंक इंस्पिरेशन ही होगा जो भी है. सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. तो मैंने सबसे पहले डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर्स में, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी की हुई है कंप्यूटर साइंस में. और हु इज़ अ फेवरेट यूट्यूबर, फेवरेट यूट्यूबर ऐसा तो सच बताऊँ कोई भी नहीं है मेरा. मैं सबको वॉच करती हूँ. आई लाइक मालविका, आई लाइक श्रेया, आई लाइक काली बाई, क्लोई, इवन दस सो मेनी यूट्यूबर्स यार. तो फेवरेट ऐसा कोई नहीं है मेरा, बट आई फॉलो देम बस. एंड व्हेन यू स्टार्ट योर ओन चैनल, देखिए मैंने अपनी आई थिंक मेरी यूट्यूब जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है. 2017 जब मेरी बहन की शादी थी ना, तब मैंने उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया था वीडियो बनाने के लिए. दिसंबर के अराउंड, हाँ नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल. मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया रैंडमली, क्योंकि आपको पता है मुझे मेकअप बहुत 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 पसंद है एंड मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था इस चीज़ के लिए. एंड इनफैक्ट मेरी खुद की फैमिली ने मुझे बोला था कि यार तू इतना अच्छा मेकअप करती है तो तू क्यों नहीं अपना यू नो यूट्यूब स्टार्ट करती है. तो पहले तो मैं थोड़े हमेशा ऐसी रहती थी कि नहीं यार यूट्यूब करना मतलब पब्लिक फिगर बनना, इट्स नॉट माई टाइम. बट मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट किया है, अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाया और उसके बाद देन यू कैन सी मेरी वीडियोज़. तो ऐसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ योर फेवरेट कलर. नाउ माई फेवरेट कलर इज़ टू बी ऑनेस्ट, आई लव ब्लैक, आई लाइक रेड, आई लाइक वाइट,
येलो आजकल मुझे बहुत पसंद है. येलो इज माय फेवरेट कलर नाउडेज. मुझे बहुत पसंद है. समथिंग पेस्टल्स भी आजकल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग? प्लीज कीप ऑन मेकिंग वीडियोस ऑन YouTube, स्पेशली करीनाज लुक्स. हाँ, करीनाज लुक्स. तो सी, व्लॉगिंग का ऐसा है कि मैं उसको एज अ अपना फुल टाइम नहीं बनाना चाहती हूँ. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना चैनल सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रखूँ. मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ता है. और कभी कभी क्या, मेरे हस्बैंड हैं, उनको ही इज़ नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड ही डजेंट लाइक कि यू नो मैं कुछ मतलब कुछ खा रहे हैं वो भी शेयर करूँ, या हम कहीं जा रहे हैं वो भी शेयर करूँ. तो कभी कभार ही इज़ ओके विद इट. बट अगर आप बोलो कि स्पेसिफिकली व्लॉगिंग ही करो, तो नो, डैट आई कांट. एज इट एवरी डे नहीं शूट कर सकती हूँ. कभी कभार के लिए इट्स गुड, कभी कभार के लिए आपको भी मज़ा आएगा. अगर आप रोज़ देखने लग जाओगे मुझे, तो आप भी बोर हो जाओगे, टू बी ऑनेस्ट. प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग गेस्ट डेयर. अभी तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है क्विट करने का. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद माई यूट्यूब. आई नो मुझे इतना अच्छा फीडबैक तो नहीं मिल रहा है नाउ डेज, बट इट्स ओके यार. सब्र का फल मीठा होता है एंड अच्छा मिलेगा. एंड आप लोग इतना अच्छे सपोर्ट करते हो मेरे को, तो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में. सच में आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज एज अ कम्युनिटी. और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, और मुझे अभी तक कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं आया है रिलेटेड टू माई फैमिली और रिलेटेड टू मी कि जो मैं मतलब मुझे डिसहार्डन कर दे. तो इसलिए आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज इन माई लाइफ. मैं अभी जो भी हूँ ना, आप लोगों की वजह से हूँ, सच में बता रही हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाय मोनिका, वांटेड टू आस्क यू अबाउट द कैमरा दैट यू यूज इन ऑर्डर टू मेक यूट्यूब वीडियोज. टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब अपना यूट्यूब शुरू किया था तो मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी. ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि मेरे पास आईफोन था, तो मैं आईफोन से ही शूट करती थी. ट्राईपॉड मैंने खरीद लिया था, आईफोन से मैंने शूट किया है. लाइट की बात करेंगे तो लाइट तो मैं नॉर्मल डे टाइम जो नेचुरल लाइट होती है उसी में शूट करती थी. कभी कभार मैं मार्केट से जो लाइट्स नहीं आती हैं जो ऑन एंड ऑफ करते हैं, मैं उससे शूट करती थी. और उसका बैटरी भी चला जाता था, फिर उसको चार्ज करना पड़ता था, फिर मैं फिर शूट करती थी. तो मैं ऐसे स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में. ऐसा नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी रिंग लाइट मैं अफोर्ड कर सकती थी, बट मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था अभी. क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं छोड़ दूँ यूट्यूब, मैं तो उसे मज़े के लिए कर रही थी. तो मज़े के लिए और अपने पैशन के लिए कर रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नहीं. और मैंने कैमरा भी बाय नहीं किया. बट जब मेरा थोड़ा यूट्यूब ग्रो करने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब थोड़ा टाइम आ गया, मुझे कैमरा और लाइट पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो जो कैमरा मैं यूज़ करती हूँ फिलहाल के लिए, मैं यूज़ करती हूँ कैनॉन G7X Mark II. आई नो दैट कैमरा इज़ फॉर व्लॉगिंग, बट ट्रस्ट मी, एक तो वो बजट में भी है और आप उससे मेकअप वीडियोज़ भी शूट कर सकते हो. आप मेरे जितने भी मेकअप लुक्स देखते हैं वो सब इस G7X Mark II. क्वालिटी वाइज ये कैमरा बहुत 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 अच्छा. ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस कैमरा इज़ कि आप माइक्रोफोन अटैच नहीं कर सकते हो इसके साथ. ओके, तो बस यही एक ड्रॉबैक है इस कैमरे के साथ. बाकी दिस कैमरा इज़ रियली रियली गुड. बट अगर आप बिगिनर हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक अच्छा सा, अगर आपका फोन है, नेचुरल लाइट में बैठिए एंड यू कैन मेक यूट्यूब वीडियो, सो नॉट अ बिग डील. ओके, हाउ डू यू डील विद नेगेटिव पीपल यूर अराउंड? सो नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. सी, अगर आपके अराउंड कुछ नेगेटिव पीपल है जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, अगर आपको वो लोग बॉदर कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट इज़ द हाई टाइम टू डिसकनेक्ट विद देम. आप उनसे बातचीत कम कर दीजिए. द ओनली थिंग इज दिस कि आप उनके साथ थोड़ा अपने से दूरी बना के रखिए, क्योंकि जितना आप उन लोगों के अराउंड रहेंगे ना, आप उतना ही नेगेटिव फील करोगे. सच बता रही हूँ. तो आपको क्या करना है, मैं नहीं बोल रही कि आपको एकदम डिस्कनेक्ट करना है, आपको धीरे धीरे करके उन लोगों से डिस्कनेक्ट होना. नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हो कि मेडिटेट कीजिए. मुझे पता है एंग्जाइटीज होती हैं बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी जब आपके दिमाग में भर जाती है तो आपको एंग्जाइटीज होने लग जाती है. सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि आप मेडिटेट कीजिए, आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए. आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए जो आपको खुशी देती हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो कुछ भी, या डांसिंग हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए. ओके, सो इससे क्या होगा, एक तो आप फालतू के लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने आप पे फोकस करोगे. तो हाँ, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करो. नेगेटिव लोगों को भगाओ भगाओ भगाओ. जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो खुद तो खुश होते नहीं है और वो दूसरों को भी खुश नहीं देखना चाहते. सो आप उनको क्यों खुश करें, आप अपने आप को खुश करो ना. सो इट्स बेटर कि आप उन लोगों से
पीछा छुड़ाओ और अपने आप पर फोकस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डोंट फोकस ऑन अदर पीपल. वो क्या सोचे क्या ना सोचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. सो आई थिंक ये काफी लंबा एक आंसर था बट बहुत जरूरी था क्योंकि आजकल की लाइफ में नेगेटिविटी से लोग भरे हुए हैं एंड दे वॉन्ट कि दूसरे लोग भी नेगेटिव रहे और खुश ना रहे. तो हाँ, ये चीज़ें आप अपने आप पे जरूर इंप्लीमेंट करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्कारास दैट यू लव एंड वुड रिकमेंड. एंड सेम गर्ल आस्क दैट प्लीज मेक रील्स ऑन इंस्टाग्राम ऑफ इजी मेकअप प्रोडक्ट्स. ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मस्कारास. आई थिंक ड्रग स्टोर में सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपको मिलते हैं मस्कारास में. सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको मेबेलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा. मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी. इट्स इन अ पिंक कलर, रोज गोल्ड पिंक कलर है वो. ब्यूटीफुल मस्कारा गाइज एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. आपकी लैशेज को बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, बहुत फ्लटरी दिखाता है एंड इट्स वाटर प्रूफ. नेक्स्ट मस्कारा जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है लॉरियल का पैराडाइज मस्कारा. ब्यूटीफुल, अच्छे से आपकी लैशेज को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, बहुत लंबा दिखाता है, लेंथ बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है. सो यू कैन ट्राई दिस वन. हाँ, एक और मस्कारा है, आई डोंट थिंक सो वो इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, बट यू कैन ट्राई एसेंस मस्कारा. आई लव एसेंस मस्कारा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. मैंने आई थिंक इतनी सारे मस्काराज उस कंपनी से मैंने बाय किए हुए हैं एंड दे आर सो ब्यूटीफुल, सो रीजनेबल. आई थिंक आपको 250 rupees में मिल जाएंगे. मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे. अगर हम हाई एंड की बात करें तो मैंने सच बताऊँ तो ज़्यादा हाई एंड की मस्कारा यूज़ नहीं की क्योंकि मस्कारा में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि 6 महीने में आपको चेंज करना पड़ता है. तो जो एक मस्कारा मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है बेनिफिट का बैड गर्ल मस्कारा. ब्यूटीफुल मस्कारा, बहुत इलोंगेटेड दिखाता है आपकी लैशेज को और बहुत 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 फ्लटरी दिखती है आपकी लैशेज. वेरी नेचुरल एंड वेरी वेरी नाइस मस्कारा. सो यू कैन ट्राई दीज ऑप्शन. नेक्स्ट इज प्लीज मेक रील्स ऑन इंस्टाग्राम ऑफ इजी मेकअप प्रोडक्ट्स. आई एम मेकिंग रील्स on Instagram. The thing is, I want to keep Instagram for my fashion videos basically. But मैं उसमें makeup भी डालूंगी क्योंकि मैं already YouTube पे makeup कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि Instagram पे मैं कुछ हटके करूँ so that कि मेरी audience bore ना हो जाए same ही तरीके का content देख देख कर. तो Instagram पे मैं ज़्यादा focus करना चाहती हूँ अपने फैशन को लेकर क्योंकि फैशन वीडियोज़ की छोटी छोटी क्लिप्स वहाँ पे यू नो अच्छी रहती है. बट आई विल मेक यू नो फ्यू वीडियोज़ ऑन मेकअप एंड मेकअप प्रोडक्ट्स एज वेल. एंड थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी कि मुझे मेकअप वीडियोज़ भी बनानी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट लिपस्टिक दैट यू यूज एवरी डे. माई फेवरेट कलर तो बहुत सारे हैं. एक तो मुझे वेट एंड वाइल्ड का गिव मी मोका बेहद पसंद है, बहुत सुंदर ब्राउन म्यूटेड टोन कलर है वो. नेक्स्ट है मैक का मेहर वेलवेट टेडी. देन आई ऑल्सो यूज स्मैश बॉक्स ड्राइवर सीट. देन और कौन सा है, एक और शेड मैं बहुत यूज़ करती हूँ, वेट एंड वाइल्ड का रिबेल रोज. ब्यूटीफुल पिंकिश मॉविश कलर, आई लव इट. और ये कलर जो अगर आप पूछे मुझसे कौन सा है, मैं बता देती हूँ, ये है सिफोरा की लिपस्टिक. मैंने मिक्स की है इसमें रेवलॉन का न्यूड ग्लॉस. मैं न्यूड लिप क्रीम है वो, थोड़ी ग्लॉसी है तो हाँ वो मैंने मिक्स की है. तो ये क्यूट सा एक सुंदर सा शेड फॉर्म हुआ है. सो या दीज आर माई गो टू शेड्स. एंड मैं हमेशा डेली वेयर में न्यूडिश ब्राउन्स पिंक्स ही पसंद करती हूँ. ब्राइट कलर्स वेरी वेरी ओकेजनली, कभी कभार जब मन किया कि हाँ भाई थोड़ा सा लुक को एम्प अप करना है तो मैं ब्राइट कलर यूज करती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर लव स्टोरी एंड व्हाट डज योर हस्बैंड डू हिज ऑक्यूपेशन. लव स्टोरी का तो ऐसा है कि हम दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था फॉर ऑलमोस्ट 8 or 9 years एंड उसके बाद हमने 2011 में शादी कर ली थी. एंड या सो अगर देखा जाए टेक्निकली हम एक दूसरे के साथ हैं कम से कम 18-19 सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं. एंड हम लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहे हैं हमेशा, बिफोर मैरिज आई एम टॉकिंग अबाउट, हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं. बस भगवान ने हमें मिलाना चाहा तो हम मिल गए. बाकी जब हम मिले एंड माय हस्बैंड ही वेंट टू यूके एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की, मतलब अपनी MBA वगैरह की. एंड हम तब भी रिलेशनशिप में थे एंड लॉन्ग डिस्टेंस ही चलता रहा हमारा रिलेशनशिप. और बात करें हम व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही डज, ही इज इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल यू हैव अ बेबी, सेकंड बेबी. ओके गाइस, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने नहीं चाहिए आपको कि कब सेकंड बेबी होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स ऑल
सबके अपने अपनी चॉइस है और यू नो पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं. सो प्लीज़ बी मैच्योर इनफ कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना करें. बाकी सेकंड बेबी का भी कोई प्लान नहीं है और शायद नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए था और एक ही से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ. एंड सेकंड बेबी की बात करें तो अभी मैं रेडी नहीं हूँ और ना मैं शायद करना चाहती हूँ सेकेंड बेबी. बाकी भगवान के ऊपर, अगर वो देना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अभी तो नहीं, अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा मेन फोकस आरएफ पे ही है और मैं उस पर ही ध्यान देना चाहती हूँ. दैट्स माई आंसर टू योर क्वेश्चन. तो यस गाइस, ये था क्यू एंड ए सेशन. कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे सच बताऊँ बहुत 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 मज़ा आया इसको करने में. आपको अगर मज़ा आया हो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, लीव योर फीडबैक डाउन बिलो. और या मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाऊं फ्यूचर में. बट उसके लिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो करिएगा. अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझसे तो पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेश्चंस. अगर वीडियो पसंद आया हो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट, इट रियली मींस अ लॉट. एंड गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. नाउ टिल देन स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई लव यू ऑल सो मच. बाय.